गाइस, आप देख सकते हो पूरे रेंज रखे हुए जो जो अभी स्टॉक्स में अवेलेबल है। सारे मॉडल मैंने टेबल पे रखे हुए, डेल के, एचपी के, तोशिबा के और लिनोवो के। सारे रेंज आपको मैं एक एक करके बता दूंगा। उसके अलावा आप देख सकते हो ये सारे मॉडल्स के मैंने प्राइस लिस्ट भी बनाए हुए। अभी जो राइट नाउ स्टॉक्स अवेलेबल है नियर अराउंड 20,000 से स्टार्टिंग रेंज है, 20,000, 22,000, 25,000 वैसे सारे मॉडल है, और एक दो मॉडल 15,000 की रेंज में भी अवेलेबल है। तो सारे मॉडल्स के कॉन्फ़िगरेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। डेस्कटॉप में भी क्या प्राइस है, मॉडल क्या है, सब कुछ आपको लिस्ट में बताया हुआ है। तो आप जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो व्हाट्सअप पे मैं आपको सारे मॉडल्स के कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप के कॉन्फ़िगरेशन रिप्लाई कर दूंगा। उसमें से आप सिलेक्ट करके फिर बता दीजिए कौन सा आपको लेना है, नहीं लेना है करके, क्योंकि काफी सारी क्वांटिटी अवेलेबल है। एक वीडियो में एक दो मॉडल कवर कर पाते हैं हम लोग, तो ये लिस्ट बनाई हुई है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर है 9969284912। व्हाट्सएप पे सारे मॉडल्स के डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो जो मॉडल अभी टेबल पे रखे हुए हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूं, तो लो एंड मॉडल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेल का लेटिट्यूड सीरीज का मॉडल है, आप देख सकते हो डेल लेटिट्यूड 6410 करके ये मॉडल नंबर है, 15,000 की रेंज में अवेलेबल है। आप देख सकते हो i5 में फर्स्ट जनरेशन मॉडल है, 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है, 14 इंच का डिस्प्ले है, 2-3 यूनिट ही अवेलेबल है। मतलब जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगी तुरंत कांटेक्ट कर दीजिए, तो रेडीली स्टॉक्स अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। जो प्राइस रखा हुआ है 15,000 इसका प्राइस रखा हुआ है। उसके अलावा डेल का आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा मॉडल रखा हुआ है, लाइट वेट लैपटॉप है, 6330 करके इसका मॉडल नंबर है, 6330, 6320 करके दो मॉडल है इसमें। डेल का रिफर्बिश मॉडल है, टोटल रिफर्बिश है। i5 में सेकेंड जनरेशन है, 8GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क के साथ है। ये थोड़ा यूज पीस है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से कॉर्नर से थोड़ा डेंट किया हुआ है, तो बहुत चीपर प्राइस में दे रहे हैं, 18,000 की रेंज में आपको आ जाएगा। ये i5 में सेकेंड जनरेशन, 8GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क के साथ है, 6320 करके इसका मॉडल नंबर है। कंडीशन जैसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं एज इट इज कंडीशन में आपको आ जाएंगे। इसके अलावा डेल में उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन में इंपोर्ट के मॉडल है, आप देख सकते हो एकदम नया जैसा कंडीशन, एज न्यू एज कंडीशन है, विथ HDMI पोर्ट के साथ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है। कंडीशन एकदम बेस्ट है, 15.6 इंच में 6520 करके मॉडल है, 20,000 की रेंज में आपको आ जाएगा, विथ नंबर पैड के साथ है। कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप कंडीशन देख रहे हो वीडियो में, एज इट इज न्यू जैसा कंडीशन पूरा आपको आ जाएगा। ये भी लिमिटेड स्टॉक बचे हुए हैं, मतलब जितना जल्दी हो सके वीडियो देखने के बाद तुरंत कॉन्टेक्ट कर दीजिए, रेडीली स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा HP में थर्ड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन 6520 मॉडल था 20,000 में, ये थर्ड जनरेशन HP का सिल्वर कलर पूरा मैकबुक एयर जैसा थर्ड जनरेशन आपको 22,000 में 8570P करके इसका मॉडल नंबर है। कंडीशन जैसे वीडियो में देख रहे हो पूरा टोटली रिफर्बिश मॉडल है, आप जैसे कि देख सकते हो HP का रिफर्बिश एलाइट बुक सीरीज है। i5 में थर्ड जनरेशन नंबर प्लेट देखिए, इसका नंबर प्लेट और इसके नंबर प्लेट में बहुत फर्क है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉर्मल कीबोर्ड के साथ आपको आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो चिकलेट कीबोर्ड के साथ है। दोनों भी पीस आप देख सकते हो, बाजू में रख के मैं दिखा दूं ना, तो कंडीशन आप देख सकते हो दोनों भी पीस का एकदम मिड कंडीशन है। एक सेकेंड जनरेशन है और एक थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन का 22,000 प्राइस है, सेकेंड जनरेशन का 20,000 है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। i5 में सेकेंड जनरेशन 4GB 500GB है, i5 में थर्ड जनरेशन 4GB 320GB है। 2,000 रुपए का फर्क है, एक 20,000 का एक 22,000 का है। इसके बाद जो रेंज स्टार्ट हो रही है अलग अलग रेंज के, तोशिबा के मॉडल है मेरे पास जो लाइट वेट में अल्ट्रा बुक एकदम स्लिम मॉडल है, 23,000 में आपको आ जाएगा। कंडीशन आप देख सकते हो एकदम मिड कंडीशन अल्ट्रा बुक एकदम स्लिम मॉडल है, विद HDMI पोर्ट के साथ, USB 3.0 के साथ आपको आ जाएगा। लाइट वेट लैपटॉप रिफर्बिश तोशिबा, आप देख सकते हो i5 में फोर्थ जनरेशन तोशिबा लैपटॉप अल्ट्रा बुक करके मेंशन भी किया है। वेट भी बहुत कम है, 13.3 इंच का लाइट वेट है, 900 ग्राम के आसपास का वेट रहेगा इसका। i5 में फोर्थ जनरेशन 8GB रैम, 128 का M.2 का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 23,000 इसका प्राइस रखा हुआ है। मतलब किसी को भी रिक्वायरमेंट रहेगी 23,000 में तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा मॉडल है i7 में आपको मैं आने वाला हूँ, डेल का लेटिट्यूड सीरीज का मॉडल है। आप जैसे कि देख सकते हो देखने से ही लगता है पूरा नया जैसा रहेगा। कंडीशन आप देखिए पूरा एकदम मिड कंडीशन है। डेल लेटिट्यूड 6440 करके इसका मॉडल नंबर है। i7 में फोर्थ जनरेशन है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क। आप देख सकते हो कंडीशन इंटरनल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मॉडल नंबर भी 6440E करके लिखा हुआ है। कोर i7 का प्रोसेसर है, फिंगरप्रिंट लॉक है। कंडीशन एकदम मिड कंडीशन, i7 में चौथा जनरेशन है, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क के साथ आपको आ जाएगा। कंडीशन है एज न्यू एज कंडीशन है। कंडीशन आप देख सकते हो HDMI, कैमरा, वाईफाई, ब्लूटूथ सब दिया हुआ। इसका प्राइस रेंज रखा हुआ है 28,000 प्राइस रखा हुआ है।
इसके अलावा दूसरे दो मॉडल है अल्ट्रा बुक में है 12 इंच में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रखे हुए हैं, दोनों भी यूज पीस है। लिनोवो का थिंकपैड सीरीज है X260 करके मॉडल है, ये भी 2 से 3 यूनिट ही अवेलेबल है और प्राइस एकदम चीपर प्राइस, मतलब बहुत चीपर से चीपर प्राइस। X260 मार्केट में सेकेंड हैंड में बिक रहा है 28-30 हजार में बिक रहा है, हम लोग 20 हजार में आपको दे देंगे। i5 6th जनरेशन है, 4GB 500GB, जैसे आप देख सकते हो वीडियो में कंडीशन आपको वैसे इस कंडीशन में आ जाएगी, थोड़े यूज पीस है आप देख सकते हो कंडीशन वाइज एकदम मिड कंडीशन में आपको आपको प्राइस रेंज जो रखा हुआ है बहुत चीपर है 20,000 i5 6th जनरेशन 4GB 500GB आ जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको HP का 820G3 जो Amazon Flipkart पे आप एक बार 820G3 मॉडल सर्च कीजिए क्या प्राइस चल रहा है, देखिए सेकंड में रिन्यूड करके लिख के आता है 42,000 में सेल कर रहे हैं वो लोग, वही सेम पीस में यहाँ पे 26,000 में आपको दे रहा हूँ। आप देख सकते हो ये i5 में 6th जनरेशन है, 8GB रैम है और 500GB हार्ड डिस्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे i5 का लोगो है, इलाइट बुक सीरीज है, स्टिकर वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है। 12.5 इंच का डिस्प्ले है, 8GB 500GB i5 6th जनरेशन 820G3 26,000 में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, आप कहीं पे भी क्रॉस चेक भी कर लीजिए। और बहुत ही रनिंग मॉडल है ये, लाइट वेट लैपटॉप है, मैकबुक एयर जैसा आपने मैकबुक एयर देखा रहेगा, एज इट इज कंडीशन में आप देख सकते हो कंडीशन, थोड़े बहुत टॉप कवर पे स्क्रैचेस वगैरह है, बाकी कंडीशन एकदम मिड कंडीशन है, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी 1 से 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप है। 820G3 इसका मॉडल नंबर है, i5 में 6th जनरेशन 8GB 500GB सेम कॉन्फ़िगरेशन आप ऑनलाइन में चेक कर लीजिए, 42,000 में सेल कर रहे हैं और इसका MRP जो है 95,000 MRP है मार्केट में, गूगल में या कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिए 820G3 करके इसका मॉडल नंबर है। इसके अलावा आइडियापैड सीरीज में आप देख सकते हो 3 मॉडल में लेके आ चुका हूँ, लिनोवो के 320 सीरीज के मॉडल है आइडिया पैड सीरीज, तीनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, जो आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके बता देता हूं। फर्स्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है 320 का i3 में 8th जनरेशन 4GB 1TB 22,000 की रेंज में आपको आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कंडीशन एज इट इज कंडीशन में आपको मिल जाएगा, लिनोवो सीरीज का मॉडल है, फुल 90° भी हो जाता है, कंडीशन एकदम मिड कंडीशन है, 14 इंच का डिस्प्ले है इसका। इसके अलावा दूसरा मॉडल जो है 320 सीरीज का ही है, आप देख सकते हो सिल्वर कलर का मॉडल है ये, आपको i5 में 7th जनरेशन 4GB रैम 1TB हार्ड डिस्क के साथ आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 7th जनरेशन i5, यहाँ पे आइडियापैड 320 कीबोर्ड भी देख सकते हो एकदम मिड कंडीशन में है, ये यूज पीस है सारे जो भी मैं बता रहा हूँ लिनोवो आइडियापैड के 320 सीरीज के। इसका जो प्राइस रेंज रखा हुआ है 30,000 प्राइस रखा हुआ है हम लोग ने, i5 में 7th जनरेशन है और दूसरा i5 में 8th जनरेशन मॉडल है, आप देख सकते हो i5 8th जनरेशन एकदम मिड कंडीशन 36,000 में रखा हुआ है प्राइस है, 4GB रैम है, DDR4 का है, 500GB का हार्ड डिस्क, कंडीशन आप देख सकते हो i5 में 8th जनरेशन यहाँ पे लोगों भी मेंशन किया हुआ है, कंडीशन आप देखिए एकदम मिड कंडीशन 36,000 में आपको आ जाएगा i5 में 8th जनरेशन। तो जो अभी रेंज है लैपटॉप के स्टॉक्स अवेलेबल है सारे 20,000 से स्टार्टिंग रेंज वाले स्टॉक्स अवेलेबल है, तो किसी को भी लो बजट वाले चाहिए रहेगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी जो स्टॉक्स अवेलेबल है सारे मॉडल्स मैंने ये वीडियो में कवर कर लिए, जितना जल्दी हो सके वीडियो देखने के बाद तुरंत कॉन्टेक्ट कर दीजिए, मेरा नंबर है 9996928492।